إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسلحة. وهو يعرف أنه لن يكون هناك مكان في الكيان بمنأى عن صواريخنا ومسيراتنا. इसराइल हमास में चल रहे खूनी संघर्ष में लेबनान का इस्लामी प्रतिरोधी भी हरकत में है। हिजबुल्ला लड़ाके लगातार इजरायली सेना पर हमलावर हैं। कई मोर्चों पर छिड़ी जंग में फंसी इजरायली सेना को हिजबुल्ला सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। समूह के लड़ाके सबसे ज्यादा इसराइल को झटके दे रहे हैं। इसराइल के सैन्य साजो सामान के साथ साथ उसके जवानों पर जमकर हमले हो रहे हैं। हिजबुल्ला ने इसराइल से सीधे युद्ध में भी बड़ी धमकी दे डाली है। एक बार फिर हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को ललकारा है। ईरान समर्थित हिजबुल्ला संगठन अब और ताकत के साथ इजरायल के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। लेबनान के इस्लामी प्रतिरोधी ने एक वीडियो जारी कर इजरायल पर हुंकार भरी है। इसमें महत्वपूर्ण इजरायली ठिकानों को दिखाया गया है। बताया जाता है ये सभी इजरायल के कब्जे वाले इलाके हैं। दावा है कि हिजबुल्ला ने इजरायली साइटों को दिखाकर धमकाने की कोशिश की है कि लेबनान के खिलाफ युद्ध के हालात में इन साइटों को तबाह कर उजाड़ दिया जाएगा। इन साइट्स पर तैनात इजरायली सेनाओं को टारगेट किया जाएगा। हिजबुल्ला चीफ ने तल्ख लहजे में इजरायल को चेतावनी दी कि यदि लेबनान पर युद्ध थोपा गया तो प्रतिरोध बिना किसी रोक टोक या सीमा के लड़ेगा। इजरायल को लेबनान पर युद्ध छेड़ने पर पछतावा होगा। فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسلحة. وهو يعرف أنه لن يكون هناك مكان في الكيان بمنأى عن صواريخنا ومسيراتنا. वीडियो में हारकिया कॉम्प्लेक्स जिसमें सुरक्षा मंत्रालय का मुख्यालय, जनरल स्टाफ और कई वरिष्ठ सैन्य कर्मचारी नेता शामिल हैं, उनको भी दिखाया गया। ये वीडियो हिजबुल्ला के हुपो मिशन के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें हिजबुल्ला अपने टोही ड्रोनों को किरियत शमोना, नाहरिया, अफूला समेत कब्जे वाली फिलिस्तीनी सरजमी के कई हिस्सों में हाइफा और उसके बंदरगाह तक उड़ाते हुए दिख रहा है। हिजबुल्ला ने दावा किया कि ये महज एक ट्रेलर है। इसराइल को घातक हमलों के लिए तैयार रहना चाहिए। हिजबुल्ला के ड्रोन इसराइली एयर डिफेंस को चकमा देते हुए वापस लौट आए। इसमें कब्जे वाले फिलिस्तीन के अंदर इसराइली साइटों के बारे में खुफिया जानकारी शामिल थी। इसमें साफ तौर से दिखाया गया कि ड्रोन सही सलामत हाइफा के बंदरगाह पर आया था। वहीं इराक के इस्लामी प्रतिरोध ने लेबनान के हिजबुल्ला का समर्थन करते हुए कहा कि इसराइल लेबनान पर नया युद्ध छेड़ता है तो इराक का इस्लामी प्रतिरोध हिजबुल्ला के साथ लड़ेगा। लेबनानी अल अखबर ने इराक में इस्लामी प्रतिरोध के हवाला देते हुए दावा किया कि कताइब हिजबुल्ला, कताइब सैयद अल शुहादा और हरकत हिजबुल्ला अल नुजाबा प्रतिरोध समूहों ने लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध के साथ लड़ने के लिए अपनी तैयारियों का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि इराकी प्रतिरोध समूह हिजबुल्ला के एक आदेश का इंतजार कर रहे हैं। कताइब सैयद अल शुहादा के प्रवक्ता कादिम अल फरतौसी ने कहा कि हिजबुल्ला के पास महत्वपूर्ण कौशल, प्रभावी हथियार और पर्याप्त संख्या में लड़ाके हैं, जो इसे इजरायली आक्रामकता को प्रभावी ढंग से रोकने में सक्षम बनाता है। भले इसका पैमाना कुछ भी हो, अगर दक्षिणी लेबनान में इराकी लड़ाकों की जरूरत पड़ी तो हम इजरायल के हमलों का सामना करने वाले हिजबुल्ला के साथ सबसे पहले होंगे। ये मुस्लिम और अरब मुद्दा है। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला ने इजरायल और उनकी सेना को सख्त संदेश दिया कि 8 महीने लंबे युद्ध का खतरा हिजबुल्ला को डराता नहीं है। इसराइल और अमेरिका दोनों समझते हैं कि लेबनान के खिलाफ युद्ध का इलाके पर बेहद गंभीर और खतरनाक प्रभाव पड़ेगा। हिजबुल्ला के पास सभी टारगेट्स तक पहुंचने की क्षमता वाला एक बड़ा जखीरा है जो इसराइल की नींव को हिला सकता है। दुश्मन जानता है कि भूमध्य सागर में जो उसका इंतजार कर रहा है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसराइल जानता है कि उसे जमीन, हवा और समुद्र में हमसे उम्मीद करनी चाहिए, और यदि युद्ध थोपा जाता है तो प्रतिरोध बिना किसी बाधा, नियम या सीमा के लड़ेगा। Oh,